वेलकम दोस्तों, देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा हूँ। सो गाइज, यहाँ पर हम करने वाले अनबॉक्सिंग उषा के स्ट्राइकर पेडल स्टैंड फैन की। और गर्मी कैसे ज्यादा बढ़ती जा रही जयपुर के अंदर, आपको तो पता है, इतनी तीखी मजेदार और मसालेदार टाइप की हो रही है कि ये बर्दाश्त नहीं हो रही। तो मैंने फाइनली एक अच्छे से मेरे रूम के लिए, रूम कम हॉल ज्यादा, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक नया फैन खरीदा है। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, बने रहिए वीडियो के साथ आखिर तक। मैं हो रहा हूं आप देख रहे हैं टेक्नो ग्लोबल यूट्यूब चैनल को, लीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। ये है उषा का स्ट्राइकर। और ओपन करने से पहले कुछ हम लोग इसके फीचर्स देख लेते हैं हल्के फुल्के। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ये हाई स्पीड फैन के साथ में आता है, यूनिक अरेंजमेंट फॉर इजी टिल्ट मैकेनिज्म के साथ में आता है, रस्ट फ्री बॉडी विथ 100% कॉपर मोटर के साथ आता है। और सबसे अच्छी बात यह है गाइस कि यहाँ पे 2 साल की वारंटी मिल जाती है जो कि मोटर की मिलती है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि किसी प्रोडक्ट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के अंदर अगर आपको वारंटी मिल जाती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। साथ में यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है पेडल स्टैंड जो कि 40 सेंटीमीटर का है, और साथ में यहाँ पे 400 mm का जो फैन है वो दिया गया है। और उसके अलावा यहाँ पर क्या दिया गया है, और कुछ नहीं दिया गया है। एक्चुअल प्राइस इसकी 3090 रुपये की है, लेकिन मैंने इसे परचेस किया है 2450 रुपये में। तो गाइस अब इसे अनबॉक्स करते हैं, अब इसको खोल के देखते हैं फटाक से। और हाँ, साथ में साइड में तो बताना भूल ही गया, साइड में तो बहुत सारी चीज़ लिखी हुई है। जैसे कि यहाँ पे फीचर्स इसके बारे में लिखे हैं, तो 3-speed स्विच कंट्रोलर है, ऑटो थर्मल प्रोटेक्टर टू प्रोटेक्ट मोटर ड्यूरिंग थर्मल ओवरलोडिंग। साथ में यहाँ पे एलिगेंट डिजाइन टाइप का फैन है, और साथ में नीचे कुछ वर्ड लिखा हुआ है जो कि कट रहा है तो कुछ मिस हो रहा है गेस। तो खैर एनीवेज, हम अंदर पढ़ लेंगे इसके बारे में। अब इसे ओपन कर लेते हैं फटाक से। तो इसे यहाँ से पहले काट देते हैं, मज़ा तो यहीं से आता है। और ये अगेन कट होता है। अब गाइस मैं इसको थोड़ा सा ढंग से ओपन करके फिर ही आपको अच्छे से दिखाता हूँ, क्योंकि क्या है, आधी अधूरी चीज़ें दिखेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। आपको प्रॉपर वे में अच्छे से पूरा ही दिखाऊंगा, सारी चीज़ें निकाल निकाल। तो यहाँ से थोड़ा सा बॉक्स ओपन कर लिया है मैंने, और इसे हम नीचे रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे नीचे रख दिया है। ओके, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमको मिल जाता है एक स्टैंड, ये है स्टैंड, काफ़ी अच्छा लगा है, प्लास्टिक का है, और ये बैक साइड से इस तरीके से दिखता है। इसे मैं यहाँ रख देता हूँ, और यहाँ पे मैंने अब इसकी जाली निकाल ली है। जाली एज इन जो इसका फैन है वो भी अलग से दिया गया है, तो थोड़ा सा मैं निकाल लेता हूँ। तो ये फैन है गाइस, इसका प्लास्टिक का फैन है यहाँ पे बेसिकली, ये इसके अंदर अटैच्ड है, इसको भी हम निकाल लेंगे। इस तरीके से है, इसे मैं साइड में रख देता हूँ। और ये इसका ऊपर का जाली वाला है, ये भी प्लास्टिक का है, और जो तार है यहाँ पे, जाली जो है वो कॉपर की ही बताई है, जैसे कि बता रहे हैं ये ब्रांडिंग की हुई है यहाँ पे। साथ ही में कुछ इस टाइप का मिल जाता है, और क्या मिल जाता है इसके अंदर, तो बेसिकली ये भी एक चीज़ है, आई गेस ये मोटर है, और मोटर को भी निकाल लेते हैं एक बार, हम थोड़ा खोलना पड़ेगा इसको अच्छे से, तभी जाके कुछ चीज़ें निकल सकती है। अदरवाइज क्या है कि आधी अधूरी चीज़ें दिखती हैं तो फिर मज़ा नहीं आता। तो मोटर को थोड़ा हम निकाल लेते हैं और इसको बॉक्स को निकाल लेते हैं। तो ये मोटर है इसकी गाइस, और यहाँ पे सारे कंट्रोलर्स हैं इसके, तो आप लोग देख सकते हैं ये मोटर है और ये एडजस्टेबल है, और ये यहाँ पे कंट्रोलर्स है। तो अब इसको हम तोड़ के दिखाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, फटाक से इसे तोड़ेंगे। उसके अलावा क्या मिलता है इसके अंदर, हम बोल देखते हैं। तो यहाँ पर ये मिल जाती है, आई गेस रॉड है ये, इसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं एक बार फटाफट से। यस, ये रॉड ही है। तो ये रॉड है, ये लोहे की ही है, काफी अच्छी लग रही है, जो बेल्ट है वो काफी अच्छा लग रहा है मुझे। अब इसे हम फटाक से जोड़ कर देखते हैं और कैसी ठंडी ठंडी हवा आती है, हम आपको वीडियो के अंदर कंटिन्यू बताते हैं। सो गाइस, अब हमारा फैन तैयार हो गया है बनके, और मैं आपको बताना चाहूंगा इसके साथ एक ये वारंटी कार्ड मिलता है,
साथ ही में मैंने बना के लिस्ट नहीं दिखाया गया, थोड़ा मुझे टाइम लगा, बट टाइम लगाने का मतलब समझ गया और फटाफट बना लिया। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप इजिली आराम से बना सकते हैं। मैंने अभी तक इसकी ये जाली इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मैं थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ आपको। यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको देख लेंगे, थोड़ा सा उठा लेता हूँ हल्का सा। तो इसको हटाना है, इसको ये सब चीज़ें आपको तीन चीज़ें अलग अलग मिलेगी। इसके अंदर का जो वाइट वाइट पार्ट होगा पीछे का बैक का, वो आपको खोलना है। खोलने के बाद फिर इस फैन को अंदर लगाना है, फिर उसके ये जाली को लगाना है, सॉरी जाली को लगाने के बाद वो व्हाइट वाले पार्ट को फिर से लगाना है, फिर वापस इस वाले फैन को लगाना है, फिर इसके ऊपर ये लगेगा। तो ये वाली चीज़ जो है पहले की ये, और इसके बाद वाली जो चीज़ है वो दोनों चीज़ें आपको लगी हुई मिलेगी, उनको खोलना है, फिर उसके बाद ये सारी प्रोसेस आपको बढ़ाना है। अब थोड़ी सी ठंडी सी हवाई खाई जाए, हल्की फुल्की सी, आई गेस अच्छी हवा आनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमारा फैन स्टार्ट हो गया है और ये रोटेट भी कर रहा है। हाँ, मज़ा आ गया, बहुत ही बढ़िया। ये भी पूरा राउंड हो रहा है, ये अभी 1 की स्पीड पे है, ये सब कुछ उड़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब इस पर 2 की स्पीड पे जाते हैं तो स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। ये देखिए आप, काफ़ी अच्छी हवा आ रही है पास के पास में बीच। ओ भाई, थोड़ा लाइट वाइट का इशू हो गया गाइस, सॉरी। इसको मैं थोड़ा सा बंद कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि इधर उधर हो रहा है, एडजस्ट कर लेते हैं हम पहले इसको रोक के थोड़ा सा। तो बेसिकली फैन काफ़ी अच्छा है, स्पीड काफ़ी अच्छी आ रही है, पास में रखा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा डेमो के हिसाब से आपको दिखा रहा हूँ। मैं एक बार थोड़ा सा और इसको नीचे करके दिखाता हूँ तो आपको इजीली दिख जाएगा। ये थोड़ा सा आप इजीली देख पाएंगे, यस। सो नाउ अभी मैं इसको थोड़ा सा बैक से सही कर लेता हूँ। ये तो गाइस बेसिकली मेरे हिसाब से कहने का मतलब ये है कि ये भी घूम रहा है, सॉरी। एनीवेज फैन काफ़ी अच्छा है, अकॉर्डिंग टू रेंज अकॉर्डिंग टू प्राइस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिसेंट है और अच्छा साइज भी है इसका। थोड़ा सा मैंने हाइट एडजस्टमेंट नहीं की है अभी तक, मैं इसका कर लूँगा प्रोसेस। बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइस और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये बनाने के बाद। और आप इस तरीके के पॉइंट पे ना यहाँ पर आगे ना इसको एक बार पूरा खोल के इसकी रॉड को बाहर निकाल लेना खींच के, उसके बाद इसको नीचे करना तो इस तरीके से हाइट बढ़ जाएगी। और यहाँ पे सारे कंट्रोलर्स हैं जैसा कि मैं बता चुका हूँ, 0, 1, 2, 3 हाईएस्ट स्पीड है। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छी हवा आ रही है गाइस और काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सही रहेगा। मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, प्राइस के अकॉर्डिंग आप इसे भी देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और स्पीड इसकी हाईएस्ट 3 तक जाती है, तो 3 पे इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है, आप देख सकते हैं। तो स्पीड क्या होता है सुनाई दे रही है, इस तरीके से स्पीड पे इसकी। बट ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। अगर ये अमेजोन पे मिलता होगा गाइस तो मैं डेफिनेटली आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से आगे भी परचेज कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल जो लुक है वो काफ़ी अच्छा है, उषा का ब्रांड है, काफ़ी फेमस ब्रांड है, अच्छी क्वालिटी है, 2 साल की वारंटी है, तो आप लोग इजीली परचेस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से गर्मी के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप एक अच्छे यूट्यूबर हैं या आपका ऑफिस वर्क है और आप फैन लेना चाहते हैं, दूसरा ऑप्शन ये है गाइस कि इसके अंदर रिमोट वाला ऑप्शन भी आता है, लेकिन रिमोट वाले और इसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि रिमोट वाले के अंदर जो पावर है वो कम आती है, विदाउट रिमोट वाला जो आता है उसमें पावर काफ़ी अच्छी आती है। अगर सपोज कीजिए आपका एक छोटा सा नॉर्मल सा रूम है या ऑफिस है, तब तो आप रिमोट वाला ले सकते हैं कि आपको बार बार उठना ना पड़े। बट अगर आपको कभी ऐसा लगे कि मेरे को फैन चाहिए एक बड़ा सी जगह पे हमको यूज करना है, लाइक मूवेबल हो, और आपको थोड़े बड़े जगह पे आपको हवा चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको नॉन रिमोट वाला लेना चाहिए, क्योंकि आपको उसमें पावर ज्यादा मिलेगा। इसके अंदर भी पावर ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से पावर ज्यादा है, अच्छा है क्वालिटी वाइज, एंड आपको ये मिल जाएगा। मैंने ये बाहर परचेज किया, बाहर से ऑनलाइन परचेज नहीं किया, मैंने बाहर से परचेज किया है। मैं देख लूंगा अगर अमेजोन पे होगा तो मैं आपको इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मुझे काफी अर्जेंट थी इसलिए मैं जल्दी से जाकर लेकर आया, क्योंकि वीडियोस आप लोग के लिए लाने होते तो गर्मी काफी रहती है, आप देख सकते हैं स्वेटिंग काफी हो रही है, जयपुर में गर्मी बहुत ज्यादा जबरदस्त है गाइस। सो गाइस ये था फैन उषा का, स्ट्राइकर नाम है इसका और नॉन रिमोट वाला है ये, एंड जो भी इसके फीचर्स हैं स्पेसिफिकेशंस हैं मोटा मोटी मैं सब कुछ बता चुका हूँ आपको। 3 स्पीड जो 3 इसकी हाईएस्ट स्पीड है, काफी फास्ट चलता है, आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, सो सॉरी फॉर दैट। एंड मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा पेडल स्टैंड फैन है, आप ले सकते हैं आराम से और अच्छा काम कर सकता है। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि इस तरह के वीडियोस और अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं और हमेशा आप लोगों को अपडेट करता रहूं। तब तक के लिए गाइस थैंक यू फ्रॉम टेक्नो क्लब, टेक केयर।
अब हम इस पे 40 से लगाएंगे। बाय।